पृथ्वी का सबसे दुर्लभ मानव रक्त। पृथ्वी पर पाए जाने वाला मानव शरीर का यह लहू अति दुर्लभ माना गया है। इस खून का दाता डोनर जरूरत पड़ने पर अपना खून देकर कईयों की जिंदगी तो बचा सकता है, लेकिन शायद कभी इसी दाता या डोनर को अपनी ही जिंदगी बचाने के लिए खून की जरूरत पड़ी तो उसका बचना मुश्किल ही समझो। इस खून का मिलना ही अति दुर्लभ माना गया है। दुनिया भर में इंसानों की आबादी 800 करोड़ है और ज़्यादातर हम इंसानों के शरीर में 8 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। लेकिन एक ऐसे ब्लड ग्रुप के बारे में पता चला है जो दुनिया के सिर्फ 45 लोगों के शरीर में है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है गोल्डन ब्लड। क्या आपने भी पहली बार इस ब्लड ग्रुप का नाम सुना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। गोल्डन ब्लड ग्रुप जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। ऐसे लोगों के शरीर में RHAG जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। किसी इंसानी शरीर में इस ब्लड ग्रुप के पाए जाने की मुख्य दो वजह हो सकती है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों में ट्रांसफर होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन वेबसाइट के मुताबिक चचेरे भाई, भाई बहन या किसी निकट या दूर के रिश्तेदार के बीच शादी होने की वजह से भी उनके बच्चों में यह गोल्डन ब्लड पाए जाने की संभावना होती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन वेबसाइट के मुताबिक 1961 में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी महिला के शरीर में ये ब्लड ग्रुप पाया गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर GH वॉज और उनके साथियों ने इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट तैयार किया था। इससे पहले डॉक्टरों का मानना था कि RH एंटीजन के बिना बच्चे जिंदा पैदा नहीं हो सकते। गोल्डन ब्लड इंसानों के शरीर में पाया जाने वाला एक अति दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप को RH नल भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 45 लोगों के शरीर में यह खून पाया गया है। इस ग्रुप का खून काफ़ी कम लोगों के शरीर में पाया गया है, इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को दुर्लभ माना जाता है। भले ही दुनिया के 45 लोगों के शरीर में यह ब्लड ग्रुप मिला हो, लेकिन इनमें से 36 लोग ऐसे हैं जो अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। सिर्फ 9 लोग ही बचे जो ब्लड डोनर हैं, जो अपना ब्लड डोनेट करते हैं। ऐसे में इस ब्लड ग्रुप के एक बूंद खून की कीमत 1 ग्राम सोने से भी ज़्यादा है। इस वजह से इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इस गोल्डन ब्लड ग्रुप की खास बात यह है कि यह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसानों के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। गोल्डन ब्लड को RH नल भी कहा जाता है, क्योंकि ये खून उसी शख्स के शरीर में पाया जाता है जिसका RH फैक्टर नल होता है। अब बात करें तो यह RH फैक्टर और नल क्या होता है। हमारे शरीर में खून 3 तरह के सेल से मिलकर बनता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। हमारे शरीर का ब्लड ग्रुप कौन सा है यह दो चीज़ें आधारित करती हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीबॉडी वाइट ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन को कहते हैं, एंटीजन रेड ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन को कहते हैं। RH रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद एक प्रोटीन होता है। आमतौर पर इंसानों के शरीर में ये RH या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, लेकिन जिस इंसान की बॉडी में गोल्डन ब्लड होता है उसकी बॉडी का RH न तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, मतलब कि उनके शरीर में RH फैक्टर नल होता है। गोल्डन ब्लड ग्रुप कुछ ही लोगों के शरीर में पाया जाता है। गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले इंसानों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसी वजह से शरीर में पीलापन और रेड ब्लड सेल्स कम होने का खतरा बना रहता है। इस ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादातर लोग एनीमिया बीमारी के शिकार पाए गए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के शरीर में गोल्डन ब्लड है तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह के लोगों के किडनी फेलियर होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। गोल्डन ब्लड ग्रुप की तरह एक और दुर्लभ ब्लड ग्रुप है जिसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर विवेक रंजन के मुताबिक हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं में कुछ शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो यह तय करते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लोगों में शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते, इसीलिए इनमें H एंटीजन नहीं होता और वो किसी भी ब्लड ग्रुप में नहीं आते। अगर आपकी भी कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो तो जिसका ब्लड ग्रुप गोल्डन ग्रुप हो, तो अपने आप को किस्मत वाला ही मानना कि आप अभी ईश्वर के बनाए हुए 8वें अजूबे के सामने खड़े हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगली वीडियो में।